दिखावत है, मतलब कि मर जाऊंगा तो समझ आ जाएगी ये दिखावत नहीं था। मैंने नहीं बोला ये, तो चाहे उसको ही बुला ले, जो बोल रही जिसके सामने बोला, तूने बोला सुनील के सामने बोला, मैंने नहीं, धंधा तेरे से करवाऊंगा मैं साला। वो जिस ऐसी हड्डी हड्डी 14 साल उसको रखा, उसको काम पे नहीं भेजा, उससे धंधा नहीं करवाया, तो तू तो खूबसूरत है, बोला नहीं खूबसूरत है। मैंने नहीं बोला कुछ, पहले मत लगाओ, उनको रखा काम पे लगवाया, और मैं आया कल, मुझे बोला कल बुलाऊंगी, आज मैं आया मुझे बोलती है भग जा, नहीं रहने जाती हो तेरे साथ, तुम मुझे भी रखो ना, उसको रखा हो तो मुझे भी रखो अपने पास। उन्होंने एक रूम दे लेके दिया, मैं अपनी बीवी को मारा, एक बच्चे में झगड़ा हुआ, एक मकान मालिक के बीच झगड़ा हुआ मेरे घर में, तो मैंने अपनी बीवी को मारा, मानता हूँ मारा मैंने उसको, क्यों उसको गलत जगह गलत रास्ते से किसी औरत से गलत बंदे से बात करने, इलाज किस लिए करवाऊँ जब बीवी नहीं मेरे पास, ब्लेड पड़ा तो मारने को तो कुछ भी नहीं है, ब्लेड पड़ा होता मैंने लगा दिया, वो मरना ही है, अगर वो मेरे को अभी भी नहीं मिलेगी तो अभी भी मर जाऊंगा मैं। नहीं, इनने मेरे साथ शादी नहीं करा, शादी नहीं करी, नहीं करा, कोई शादी नहीं करा इनने, ये ऑलरेडी बीबी है, इनके बच्चे है, सब है, मेरे साथ धोखा करा, मेरे सब कुछ खा गया, छोड़ दिया, यूज करा, 3 बार मेरे साथ सफाई भी कर दिया इसने, और मेरे को बार बार छोटे छोटे बातों में भी ऐसा मारता, इस तरह का मेरे पास ही लगाने का ट्राई करता है मुझे मारने के लिए। अभी इसने अपना आप को मारा है, अपना आपको इसलिए मार रहा है ये कि इसने मुझे छोड़ दिया, मैं अपना नौकरी करके कमा के खा रही हूँ, तो अभी ये चाह रहे हैं मेरे कातिल, कुछ नहीं मना, ये दिखावत है सिर्फ। ये अपने पास 12वें महीने में दिसंबर में एक मामला आया था, पूजा नाम की एक आवेदिका थी, उसने अपने को बताया कि उसका जो पति है वो काफ़ी मारपीट करता है, दारू पीता है, कोई नशा भी करता है, चूंकि ट्रक ड्राइवर है, और कोई भी चीज़ ऐसी धारदार उठा लेगा और बोलेगा तेरे को मारूंगा, मेरे को मारूंगा, मैडम मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मैं बाकी और कोई वो नहीं चाहती, मेरा एक बच्चा है और मैं मतलब अपने आप को और अपने बच्चे की सेफ्टी चाहती हूँ, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो जब ऐसा कुछ अगर होता है तो अपन ज़बरदस्ती बिल्कुल भी वो नहीं करते कि भाई आप रहो, और अपन ने उसको, उसने बताया मैम मेरे कोई रहने का भी ठिकाना नहीं है तो आप कहीं रखवा दें, तो अपन ने बाकी घर इसको बाकायदा भिजवा दिया था, उस समय ये कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसने कहा कि मैम अभी वो बाहर गया है तो ही मैं निकल के मतलब आ सकती हूँ, और अपन ने इसको बाकी घर रखवा दिया था। फिर ये जो अनावेदक है, अनावेदक था उसका अनिल नाम का, ये अभी कल आया था मेरे पास शाम को, तो इसने बताया मैम एक बार मेरी पत्नी को बुलवा के प्लीज़ समझा दीजिए, हमारा घर बस जाएगा, मैं कभी कोई उसके साथ मारपीट नहीं करूँगा, अब चूँकि यही अपना काम है तो मैंने उसको आज मॉर्निंग में दोनों को बुलवाया था, लेकिन उसकी पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैम ये मेरे साथ बहुत मारपीट पूर्व में भी कर चुका है, पहले भी मतलब मेरे साथ बहुत गलत हरकत कर चुका है, और कोई भी नशा करता है और मारपीट करता है, खुद भी अपने आप को मारने की धमकी देता है कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, और मैं कहीं नौकरी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। तो उसको वही समझाइश दी थी कि भाई ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते हैं हम, आप वेट करो, और दोनों को ये कह के रुख्सत कर दिया था। अब उसने कुछ देर बाद अपने ऑफिस के सामने, एसपी ऑफिस के सामने थोड़ी दूरी पे कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, किसी चीज़ से कट कर लिया, और इसको फिर अपन ने 108 के थ्रू हॉस्पिटल भी भिजवाना चाहा, लेकिन ये नहीं वो कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि पत्नी चली जाए, लेकिन अब इस उसको देखते हुए तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि खुद इसने इस तरह का काम किया, और कभी अगर इसकी पत्नी चले जाए और उसके साथ कोई घटना घटित कर दे, जैसा कि उस लड़की ने पूर्व में भी अंदेशा जाहिर किया था, तो ये बात ठीक नहीं है। फिर अभी पलासिया थाने में, चूँकि वो जा नहीं रहा मेडिकल के लिए, पलासिया थाने में अपन ने कंप्लेंट करवाई है।